फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड क्या था? द मैग्नेट के अराउंड का एरिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला था। द लाइन ड्रॉन इन दैट एरिया दे आर कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द लाइन ड्रॉन इन दैट एरिया टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए लेट अस टेक एन बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, हम पेपर के ऊपर रख देंगे, मार्क कर देंगे और बाद में उस पर आयरन फिलिंग्स टी स्ट्रेनर के साथ डाल के बोर्ड को टैप करेंगे। इफ़ यू विल टैप तो आप कुछ इस तरीके की लाइंस जो हैं उस पर ड्रॉ होती चेक करेंगे। इस तरीके की लाइंस जो हैं उसमें ड्रॉ होंगी। अब वाकई ऐसी लाइंस बनती हैं, रियली ऐसा बनती हैं कि नहीं बनती हैं, जनरली चेक करेंगे हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके। ऐसे ही हम एक शीट रख रहे हैं, इस तरीके का पैटर्न बनता है कि नहीं बनता है चेक करेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम ऐसे एक बार मैग्नेट को इसके ऊपर रख देंगे तो लाइंस ड्रॉ करनी, बट मैं ऊपर नहीं रख रहा, मैं बार मैग्नेट को इसके नीचे रख रहा हूँ। और फिर टी स्ट्रेनर के साथ यहाँ पे मैं कुछ आयरन फिलिंग्स को डाल रहा हूँ, टी स्ट्रेनर के साथ डाल रहा हूँ। अब चेक करेंगे, तो पैटर्न चेक कीजिए, जैसा आपकी बुक में बना हुआ है सेम एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न है। पोल से निकल के नेक्स्ट पोल पे ऐसे चेक कीजिए, ये चेक कीजिए पूरा वैसा पैटर्न है जैसा आपकी बुक में बना हुआ है। तो ये जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो डिफरेंट लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये। तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके की क्रिएट होती हैं, वैसा ही मैंने एक डायग्राम बनाने की भी यहाँ पे कोशिश की है, वैसा एक डायग्राम मैंने बना दिया। उसमें आपने देखा था कि प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे हम इनकी, जहाँ पे आपने देखा भी था कि जब पोल्स के आसपास स्ट्रेंथ उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ज़्यादा कंसनट्रेटेड थी, स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा थी, आप चेक कर सकते हैं पोल पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर जाते हैं वाइड होती जाती है, स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यही है कि पोल्स पे स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे पोल से दूर जाती हैं दे आर वाइडली स्प्रेड, दे आर स्ट्रांग एट द पोल्स। सेकंड प्रॉपर्टी एंड द मेन प्रॉपर्टी, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मूव्स टुवर्ड्स द साउथ पोल, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल मूव्स टुवर्ड्स द साउथ पोल, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। देन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं कहीं पे भी, इंडिपेंडेंटली मूव कर रही हैं सभी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दीज आर द थ्री मेन प्रॉपर्टीज। पहला कि स्ट्रांग कहाँ पे होती हैं फील्ड लाइंस, पोल्स पे इंस्टेड ऑफ अदर एरिया। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ पे एंड होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। और तीसरा क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी मेन इसकी क्या थी जी, दैट इज कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बेटे फर्दर है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिस पे ये फुल चैप्टर बेस्ड है। Means when current is passed, a magnetic field is produced, ये प्रूव कर। तो ये जो फर्स्ट इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी, दैट इज बाय द एच सी ऑरेस्टेड ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी, फर्स्ट प्रूव किया था कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। Whenever current flows through the conductor, magnetic field is produced. ये प्रूफ करना है हमें। तो अरेस्टेड ने कैसे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उसके लिए एक कंडक्टर ले लेते हैं हम, कॉपर वायर ले लेते हैं।
कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर ले लेंगे, उसमें से हम पास आउट करके देखेंगे करंट। बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। जब करंट स्विच ऑन करेंगे तो ये एक मैग्नेट के पास हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिए। कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, तो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन कब प्रोड्यूस होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे। पर यहाँ पे कहीं मैग्नेट दिख नहीं रही है, उससे क्या प्रूफ होगा कि व्हेनेवर करंट इज पास्ड मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। तो बेटा वही ओरेस्टेड वाला एक्सपेरिमेंट हम वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे एक सेटअप मैंने लगाया जिसमें मैंने एक कंडक्टर लगाया और एक बैटरी लगा दी है। इसको कनेक्ट करके देखते हैं। अभी हमने मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखी है, तो आप चेक कर सकते हो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, जाइए अपनी जगह पे नॉर्थ साउथ में पॉइंट आउट कर रही है। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करना है, जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप चेक करेंगे कि उसमें डिफ्लेक्शन आएगी। ये देखो डिफ्लेक्शन आई है, दिख गई है, डिफ्लेक्शन आएगी। जैसे ही कनेक्ट करते हैं डिफ्लेक्शन होगी। तो कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, तो इससे डायरेक्टली प्रूव हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा डिफ्लेक्शन होगी। ये देखो डिफ्लेक्शन हुई है, जैसे ही कनेक्ट किया डिफ्लेक्शन है। डायरेक्शन रिवर्स करके भी देख सकते हो, डिफ्लेक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी कंडक्टर में से, तो उसका क्या कौन सा इफेक्ट भी होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट होता है, वैसे ही इसमें हमने प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो अभी हम डायरेक्शन रिवर्स करके देख रहे हैं। पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव था, अब मैंने नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव कर दिया करंट। आप चेक करेंगे डिफ्लेक्शन अभी उससे रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इससे प्रूव होता है ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वेन एवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, एक तो हमने ड्रॉ करके देखी थी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक पाउडर और आयरन पाउडर, आयरन फिलिंग के साथ ड्रॉ की थी। दूसरा जो मेथड है वो इस तरीके का है, जिसमें हम पहले बार मैग्नेट जो है प्लेस कर लेंगे एक शीट के ऊपर, प्लेन शीट के ऊपर बार मैग्नेट प्लेस कर लेंगे और इसकी बाउंड्रीज़ को हम ड्रॉ कर देंगे। बाउंड्रीज ड्रॉ करने के बाद इसको उठा के एक बार उस बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ वो हम उस पर मेंशन कर देंगे। फिर से बार मैग्नेट एज इट इज़ प्लेस करेंगे उसी पोजीशन पे, और अब हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि ये जो टेल है वो साउथ शो करती है और हेड जो है वो नॉर्थ शो करता है। चेक कर सकते हैं अभी, इसका मतलब यहाँ हेड शो कर रहा है, तो इट मींस नॉर्थ इज दिस साइड। कल ही हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ, तो इसलिए हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया। अब इस पॉइंट पे हम एक पॉइंट लगा देंगे और उठा के सर्कल लगा देंगे। अब उस सर्कल पे हम प्लेस करेंगे फिर से साउथ, और फिर जिधर भी एरो शो कर रहा है दैट इज नॉर्थ, अगेन हमने पॉइंट लगाया और सर्कल कर दिया। फिर से उसका साउथ रखेंगे, नॉर्थ की तरफ पॉइंट होगा, वहाँ पे पॉइंट लगा के इस तरह हम मूव करते जाएंगे। जिधर जिधर मूव कर रहा है उस तरीके से हम चलते जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम रखेंगे वहाँ पे साउथ पे, नॉर्थ जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है, जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है वहाँ पे हम सर्कल लगा देंगे। फिर नेक्स्ट और चेक कर सकते हैं
इस तरीके से चलते जाएंगे और पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे हम जहाँ तक जाएगा। जैसे जैसे आप इसको रखते जाओगे साउथ पे नॉर्थ वो अपने आप बताता जाएगा कंपास। तो इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे पूरी, ऐसे ट्रैवल करते जाएंगे, पूरा ट्रैवल करेंगे। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुए थे, फिर साउथ पोल पे आके ख़त्म होना है हमने। ये यहाँ पे आके मीट कर गई हैं। तो डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस तरह आप इनको मीट करवा सकते हो। जो पॉइंट्स आपने ड्रॉ किए उनको नॉर्थ से स्टार्ट हुई हैं, इसी तरह वो ख़त्म कहाँ पे हो गई, साउथ पे। अगेन किसी और पॉइंट पे रख देते हैं, सपोज एट दिस पॉइंट। अभी नॉर्थ यहाँ शो कर रहा है, नेक्स्ट फिर उसका रखेंगे साउथ, नॉर्थ यहाँ शो कर रहा है, अगेन अगेन इस तरीके से हम करते जाएंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ दोनों तरफ हम ड्रॉ करेंगे लाइंस। इसी तरह आप नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, आप यहाँ इनको चाहो तो मीट। तो हम नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे भी नॉर्थ शो करेगा उधर आपने पॉइंट लेके कंपास को मूव करते रहना है। इस तरह मूव करते रहना, आपने पूरी शीट पे इस तरीके से आपने ड्रॉ करनी है। इनको भी आप मिला सकते हैं, जो डॉट्स हैं उनको मिला दीजिए रफली। इस तरह फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देंगी, वो इस पेज से इस पेपर से शीट से बाहर जा रही हैं। तो इस तरीके से भी है, इधर भी ऐसे है, इधर भी ऐसे ही वो मीट नहीं कर रही, वो बाहर की तरफ जा रही हैं। इन द सेम वे आप इधर इधर और नई लाइंस जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। रिपीटेडली नॉर्थ जो है वो डायरेक्शन शो आपको करेगा, उससे आपने ड्रॉ करते रहना है। ऐसा ही मैंने एक पहले भी ड्रॉ करके रखा है, तो ये मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है एक, जहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये क्योंकि आउटवर्ड हैं इस शीट के बाहर जाएंगी, तो उनको ऐसे ही हमने शो किया है। ऐसा सेम पैटर्न आपकी बुक में बताया गया होगा, आप चेक कर सकते हैं बुक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, और दूसरी एक प्रॉपर्टी और थी कि इंटरसेक्ट नहीं करती। आप देख सकते हैं कोई भी एक दूसरे के साथ कट नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। स्ट्रेंथ पोल्स पे ज़्यादा है, ये चेक कर लीजिए, और जैसे अवे फ्रॉम द पोल जाते स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं, आपने अपनी लैब में ये ड्रॉ करके ज़रूर देखना है।